Did you have any system of rehearsals and workshop during those days? No, never. Rehearsals and workshops were unheard of. I mean, I appreciate what this modern generation does and how modern filmmakers are. And I've also been a part of it. I greatly enjoy it. But we never had those kind of moments earlier on. अमित जी, ये फिल्म जब सेंसर में फंस गई थी तब कहा गया था कि आपके दिल्ली से जो गांधी परिवार से जो संबंध है उसको भुनाया जाएगा और उस फिल्म को सेंसर से निकाला जाएगा, क्या ये सही है? नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं. आई थिंक क्योंकि ये फिल्म शायद इमरजेंसी के समय में रिलीज़ हुई थी और इमरजेंसी के दौरान शायद ये एक ये निर्णय लिया गया था सेंसर से कि कोई भी एक्शन सीक्वेंस आपका 90 फुट से ज़्यादा नहीं होगा. तो उसी के तहत इस फिल्म को या जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस थे उनको हमको निर्माण करना पड़ता था या उसकी कटिंग करनी पड़ती थी. दूसरी बात यह कि आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं. व्यक्तिगत रूप से कोई भी न्याय जो है अपने हाथों से नहीं कर सकता है, या जैसे कि शोले में था, अपने पैरों से नहीं कर सकता है. और हालांकि दोनों वर्जन शूट हुए थे, लेकिन फिर शायद सेंसर ने कहा नहीं, यहाँ पर आपको इसको पुलिस के हवाले करना होगा. हालांकि जो हरिभाई थे वो तो जब संजीव कुमार जो थे इस फिल्म में वो एक्स पुलिस अफसर थे, लेकिन वो हमने रमेश जी ने वो दृश्य दोबारा शूट किया जहाँ पर पुलिस आई और गब्बर को पुलिस में दे दी.